1863 में आज ही के दिन सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशों में बिखेरने वाले साहित्य, दर्शन और इतिहास के विद्वान स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बनने से पहले विवेकानंद कुश्ती, मुक्केबाजी, घुड़सवारी और तैरने आदि में भी निपुणता हासिल कर चुके थे। शुरुआत में वह ब्रह्म समाज की शिक्षाओं से प्रभावित हुए, लेकिन वैज्ञानिक अध्ययनों के कारण ईश्वर से उनका विश्वास खत्म हो गया। इसके बाद वह नास्तिक बने रहे और कोलकाता शहर में ऐसे गुरु की खोज में घूमते रहे जो उन्हें ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान करा सके। जब विवेकानंद परमहंस से मिले तो उनकी आयु केवल 25 वर्ष की थी। परमहंस से उनका मिलना मानो दो विभिन्न व्यक्तियों का मिलन, प्राचीन और नवीन विचारधारा का मिलन था। परमहंस की आध्यात्मिक विचारधारा ने विवेकानंद को विशेष रूप से प्रभावित किया। 1899 में उन्होंने अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण सेवा धर्म की स्थापना की। इन मठों में उन्होंने सन्यासियों को मिशन के कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया। ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग और कर्म योग विवेकानंद की प्रमुख रचनाएं हैं। भारत में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन 1991 में अमेरिकी संसद ने इराक के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करने की मंजूरी दी थी। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने तत्कालीन इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को 15 जनवरी तक कुवैत से अपनी सेना हटाने को कहा था और ऐसा नहीं करने पर इराक को सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी थी। 3 दिनों की लंबी और गर्मागर्म बहस के बाद अमेरिकी संसद ने इस प्रस्ताव को 183 वोटों के मुकाबले 250 वोटों से पास कर दिया, लेकिन डेमोक्रेट पार्टी के बहुमत वाले ऊपरी सदन में यह प्रस्ताव काफी कम अंतर से पास हुआ। आखिरी वक्त में संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन महासचिव जेवियर पेरेज डी कुइयार ने युद्ध को टालने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और 16 जनवरी 1991 को राजधानी बगदाद पर भारी बमबारी के साथ ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से पहले खाड़ी युद्ध की शुरुआत हुई। 25 फरवरी को इराकी सेना कुवैत से पीछे हटने लगी और 28 फरवरी को अमेरिका ने युद्ध में विजयी होने की घोषणा कर दी। कुवैत तो आजाद हो गया, लेकिन सद्दाम हुसैन सत्ता में बने रहे थे। 1976 में आज के दिन दुनिया की सबसे जानी मानी जासूसी उपन्यासकार अगाथा क्रिस्टी का निधन हुआ था। वह पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी और 85 वर्ष की आयु में ऑक्सफोर्डशायर के अपने घर में उनकी मौत हुई थी। ब्रिटेन के उपन्यासकार क्रिस्टी ने अपने जीवन में कुल 83 किताबें लिखी थी और उनकी करीब 30 करोड़ कॉपियां बिक चुकी थी। उपन्यास के अलावा क्रिस्टी ने लघु कहानियां, ड्रामा और कविताएं भी लिखी थी। एक लेखिका के हैसियत से पहली बार उनकी पहचान उनके उपन्यास द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल से बनी थी, जो उन्होंने 1920 में लिखी थी। द बाइबल और शेक्सपियर की रचनाओं के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें अगाथा क्रिस्टी की हैं। उनके उपन्यासों पर 22 फिल्में और कई टेलीविजन सीरियल बने हैं। हिंदी में गुमनाम और धुन जैसी फिल्मों की कहानियां भी क्रिस्टी के उपन्यासों से ली हैं। आज के दिन 2010 में कैरेबियन सागर के तटवर्ती देशों में भयानक भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 60 डिग्री दर्ज की गई। इस भूकंप में करीब 30,000 लोग मारे गए थे। पिछले कुछ दशकों के दौरान यह भूकंप विश्व का सबसे बड़ा भूकंप बताया जाता है। इस विध्वंसकारी भूकंप में हैती की मूलभूत संरचना को बहुत क्षति पहुंची और बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए। इस भूकंप से उबरने में हैती को बहुत वक्त लगा। इस भीषण भूकंप के कारण विश्व के विभिन्न देशों ने भूकंप पीड़ितों को भारी मात्रा में राहत सामग्री भेजी। आज के दिन 2005 में भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और खलनायक अमरीश पुरी का निधन हुआ था। शुरुआत से ही अमरीश पुरी फिल्म उद्योग में आना चाहते थे, लेकिन वह अक्सर स्क्रीन टेस्ट में फेल हो जाया करते थे। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में काम करने के साथ उन्होंने पृथ्वी थिएटर में काम करना शुरू किया। सत्यदेव दुबे के नाटकों ने उन्हें खूब प्रसिद्धि दिलाई। 1989 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए। इसके बाद विज्ञापनों और फिल्मों में उनके लिए दरवाजे खुल गए।
रंगमंच से बड़े पर्दे पर जलवा बिखेरने वाले अमरीश पुरी ने करीब 250 फिल्मों में काम किया। अमरीश पुरी ने फिल्मी करियर की शुरुआत 1971 की फिल्म प्रेम पुजारी से की थी। अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में उन्होंने गांधी फिल्म में नहारी की भूमिका निभाई थी। 1987 में आई शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो के खलनायक की भूमिका ने दर्शकों को उनका दीवाना बना दिया। मोगैम्बो खुश हुआ के डायलॉग के साथ अभिनेता अमरीश पुरी ने अपनी कड़क और रोबदार आवाज से बॉलीवुड में खलनायकी को एक नई पहचान दी। अमरीश पुरी के जीवन की अंतिम फिल्म किसना उनके निधन के बाद 2005 में रिलीज हुई थी।